वालेकुम मेरा नाम सादिया है, शिकागो से बोल रही हूँ. मैं आपके पास लास्ट ईयर आई थी. आई एम शारिक की वाइफ. आई एम शारिक की वाइफ बोल रही हूँ मैं. हेलो. जी जी हाँ बताइए बताइए, सुन रहे हैं, बोलती रहिए आप. जी, तो मुझे आपसे बस दुआ करवानी थी, बिकॉज मेरी अम्मी की हालत बहुत खराब हो चुकी है. मेरी अम्मी बहुत डीप डिप्रेशन में चली गई है, और उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया है 7-8 दिन से. उन्होंने बात करनी छोड़ दी है. उनको समझ आ रही है कि क्या बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है वो अपने होशो आवाज स्लोली, वो साइलेंट मोड में चली गई हैं. बिल्कुल बहुत डिप्रेशन में चली गई जी हैं. उनको हमने एडमिट करा दिया है अस्पताल में, बिकॉज डॉक्टर. अच्छा, बहुत शुक्रिया कॉल करने का. अल्लाह आपकी वालदा को सेहत कामिल आता फरमाए. हजरत आपसे इसका इलाज पूछ लेते. आमीन आमीन. बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, रहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें. शुक्रिया. सबसे पहले मैं दिल से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला उनको सेहत आफियत अता फरमाए. और दूसरी बात यह कि मोमिन मुसलमान को डिप्रेशन नहीं होना चाहिए. यह डिप्रेशन जो होता है, यह अल्लाह पर अदम एतमाद की दलील होता है कि आपको अल्लाह पर एतमाद नहीं है. और मोमिन मुसलमान को अल्लाह पर कामिल एतमाद होता है, तवक्कुल होता है. तो डिप्रेशन जो है मुसलमान के करीब नहीं आना चाहिए, क्योंकि जिसको अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में ईमान अता फरमाए और आखिर में उसके लिए जन्नत हो, तो जिसकी इब्तदा इंतहा जो मुकम्मल है, तो उसको परेशान होने की ज़रूरत नहीं. और डिप्रेशन इंसान इसीलिए लेता है कि किसी चीज़ का गलबा उसके ऊपर छा जाता है, किसी गम का किसी दुख का गलबा इतना हो जाता है कि इंसान जो वो डिप्रेस हो जाता है. और जिसको ईमान की दौलत मिली भी हो तो उसको डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं. लेकिन एक अल्लाह वाले बैठे थे, उन्होंने जो है वो बोरिया का कुर्ता पहना हुआ था और बबूल के कांटे लगाए हुए थे और अल्हम्दुलिल्लाह 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 बोल रहे हैं. तो गुजरा एक शख्स, कहा जी आप किस बात पे अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं, आपको कौन सी ऐसी नेमत मिल गई जिस पर आप अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं. पहनने को आपके पास कुर्ता नहीं है, लगाने को बटन नहीं है, खाने को रोटी का टुकड़ा नहीं है, तो आप अल्हम्दुलिल्लाह करके कैसे झूम रहे हैं. फरमाया कि क्या बात करते हो, अल्लाह ने मुझे ऐसी नेमत अदा कर दी है कि उसके शुक्र से निकलूंगा तो फिर सोचूंगा कि कुर्ता क्या और बटन क्या है. इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे मोमिन मुसलमान बनाया है और सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदना उम्मती बनाया है और आखिरत में मेरे लिए जन्नत सजा के रखी हुई है. तो ये ऐसी नेमत है कि मैं इसके शुक्र से फारिग नहीं हो रहा, इसके शुक्र से फारिग होऊंगा तो अपने कुर्ते की फिक्र करूँगा. इसलिए मोमिन मुसलमान को इतनी बड़ी नेमत, याद ये अमरीका यूरोप की दुनिया में जो लोग परेशान होते हैं, तो मैं उन्हें कहा करता हूँ आप कुफार मुशरिकीन की तरह डिप्रेशन, ये डिप्रेशन इन लोगों का ईजाद किया हुआ लफ्ज़ है. ये लोग डिप्रेस होते हैं, मैं डिप्रेशन में चली गई, मैं डिप्रेशन में चला गया, मैं डिप्रेशन हो गया, सू कर दो जी फलां कंपनी पे तो मुझे निकाल दिया, मैं डिप्रेशन में चला गया. इसलिए कि आप कंपनी को राजी समझते थे तो आप ही डिप्रेशन में चले गए. हम तो राजी अल्लाह को समझते हैं. दिन अल्लाह ने रिजक तलाश करने के लिए बनाया है और रात राजी को तलाश करने के लिए है. रातों को राजी को ढूंढो, दिनों में रिजक को ढूंढो. भाई ये अब मशगला आपका जारी रहेगा तो डिप्रेशन का कोई सवाल नहीं. तो इसलिए अपनी अम्मा की जो ये काउंसलिंग भी करें कि मम्मा आप डिप्रेशन तो आपके करीब आना नहीं चाहिए, ईमान की कमजोरी की अलामत है. और दूसरी बात ये कि पढ़ने के लिए उनको बता दें ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलीयिल अज़ीम. 101 दफ़ा खुद पढ़ लें, दम कर लें, या आप पढ़ के जो उनको दम कर दें और थोड़ा सा पानी पिला दें, इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत से वो इस कैफियत से निकल आएंगी. मैं भी दिल से दुआ करता हूँ. आमीन सुम्मा आमीन.